आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो क्लास का डिस्कशन है, उसका मुद्दा ये है कि एक बार जब हम ऑप्शंस के अंदर अपनी पोजीशन ओपन कर लेते हैं, भले एज एन ऑप्शन बायर या एज एन ऑप्शन सेलर, तो उसके बाद फिर हम ऑप्शन की पोजीशन को कैसे क्लोज कर सकते हैं, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था ब्रीफली, और वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्क्रीन के सामने आ रही है कि हमारे पास में दो मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला तो ए है, जिसमें अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक्सपायरी डेट तक, और एक्सपायरी डेट पर जाकर के हमारी पोजीशन क्लोज होती है। या फिर हम चूज कर सकते हैं मेथड बी को, जिसमें हम एक्सपायरी डेट का वेट नहीं करते और एक्सपायरी डेट से पहले ही एक रिवर्स ऑर्डर एंट्री करके हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। तो अब प्रीवियस क्लास में जहां पर मैंने ये बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया था, तो आज इस क्लास में हम थोड़ा सा और आगे जाकर के को हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी पोजीशन को क्लोज करने के लिए जो दो ये डिफरेंट मेथड है, इसमें से किसी एक मेथड को चूज करते हैं, तो हमें एक किस तरह की अवेयरनेस रहनी चाहिए, हमें किस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि अगर हम मेथड ए चूज करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस की किस तरह की सिचुएशन निकल करके आएगी एक्सपायरी डेट के ऊपर, एक्सपायरी डेट पर किस तरह का सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि आपने एक पोजीशन ओपन करी और अब पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्सपायरी डेट तक, तो आपको इस बात का अंदाजा रहना चाहिए कि एक्सपायरी डेट की तरफ हम जब जा रहे हैं और एक्सपायरी डेट पर पहुंच करके हमारे लिए किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं और हमारे लिए किस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। डेफिनेटली तो बिल्कुल नहीं पता होगा, एक्यूरेटली तो बिल्कुल नहीं पता होगा, एग्जैक्टली तो बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि ओके, अगर इस तरह की मार्केट के अंदर सिचुएशन होगी तो मेरा इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस उससे निकल करके आएगा। तो आपको एक अंदाजा रहना चाहिए, एक आपका लुकआउट रहना चाहिए एक्सपायरी डेट को लेकर के, तो उसी लुकआउट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर हम एक्सपायरी डेट का वेट नहीं करते हैं तो किस तरह से हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन रहती है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेथड डेट से, जहां पर अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एक्सपायरी डेट तक। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, क्लोजिंग एन ओपन पोजीशन, कैसे कैरिंग एन ओपन पोजीशन टिल एक्सपायरी डेट, कि हम एक ओपन पोजीशन को क्लोज करने के लिए एक्सपायरी डेट तक उसको लेकर के जाते हैं, एक्सपायरी डेट तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है जी, तो एक्सपायरी डेट पर जब हम अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट पर पहुंच करके आपको कुछ ऐसा एक्शन नहीं करना होता है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई पोजीशन ओपन करी, भले एज एन ऑप्शन बायर या एज एन ऑप्शन सेलर, आपने कॉल में कोई पोजीशन ओपन करी या आपने कोई पुट में पोजीशन ओपन करी और आप उसको एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्सपायरी डेट तक, तो आपको एक्सपायरी डेट पर पहुंच करके आपको कोई एक्शन नहीं लेना होता, जो कुछ होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। यानी कि एक्सपायरी डेट जब आती है और उस दिन आपने जिस स्ट्राइक के ऊपर पोजीशन क्रिएट की होती है, वो स्ट्राइक अगर इन द मनी होती है, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, आपने कोई पोजीशन ओपन करी और उस पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड आपने किया और एक्सपायरी डेट तक आप लेकर के गए और एक्सपायरी डेट आ गई है, तो एक्सपायरी डेट पर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्सपायरी डेट पर सारा काम ऑटोमेटिकली होगा एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है जी, एक्सपायरी डेट पर पहुंच करके अगर आपकी स्ट्राइक जिस पर आपने पोजीशन क्रिएट करी है वो ऑप्शन बायर के लिए अगर इन द मनी होती है, यानी कि एडवांटेजियस होती है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाएगी और जो एडवांटेज का पैसा है, यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑटोमेटिकली ऑप्शन बायर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और वो कहां से क्रेडिट होगी, वो ऑप्शन सेलर के अकाउंट से वो डेबिट होगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, यानी कि कोई स्ट्राइक पर जो पोजीशन क्रिएट की गई है वो स्ट्राइक एक्सपायरी डेट पर पहुंच करके क्या होनी चाहिए, इन द मनी होनी चाहिए, और इन द मनी स्ट्राइक्स का ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज एक्सचेंज द्वारा कर दिया जाता है, एक्सचेंज द्वारा ऑटोमेटिक इन द मनी स्ट्राइक्स को एक्सरसाइज कर दिया जाता है। ठीक है जी, और जो एट द मनी स्ट्राइक्स होती हैं या जो आउट द मनी स्ट्राइक्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं है उनको, क्योंकि वो ऑप्शन बायर के लिए क्या नहीं है, एडवांटेजियस नहीं है। ठीक है जी, तो उस स्थिति में क्या होता है भाई, बिना एक्सरसाइज हुए वो एक्सपायर हो गई, तो हुआ क्या, ऑप्शन बायर ने जो प्रीमियम दिया था वो चला गया और ऑप्शन सेलर को जो प्रीमियम मिला था वो उसके पास ही रहा। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे ना, तो कुछ इस तरह की स्थिति जो होती है वो एक्सपायरी डेट के ऊपर होती है। तो शायद आपको मेरी बातें जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनको क्लियर ना हो रही हो, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है जी, और प्रैक्टिकली करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताइए, सबसे पहले हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट में जाकर के एक पोजीशन को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि हमें कोई ऑप्शन बाई करना पड़ेगा या कोई ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम एक्सपायरी डेट का वेट करेंगे,
एक्सपायरी डेट का वेट करेंगे और जब एक्सपायरी डेट आएगी तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे, एक नहीं बल्कि कई हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे बंद हो रहा है एक्सपायरी डेट पर या किसी और लेवल के ऊपर बंद हो रहा है, तो वो लेवल्स किस तरह से ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं दो पोजिशन ओपन करूंगा, एक कॉल की और एक पुट की, और दोनों पोजीशंस को मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर हम एक्सपायरी डेट पर लेकर के जाते हैं तो आपको किस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए पहले से। कोई भी हम काम करते हैं ना तो हमें पहले से एक अंदाजा रहना चाहिए कि किस तरह की स्थितियां उस काम से जुड़ी हुई पैदा हो सकती हैं हमारे लिए, तब हम एक कॉन्फिडेंस के साथ उस पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से मेरा यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव ये कि आपको ये पूरी तरह से पता हो कि अगर आप कोई पोजीशन ओपन करके उसको एक्सपायरी डेट तक लेकर के जा रहे हैं तो किस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं आपके लिए, वो आपको पता रहना चाहिए, और यही ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का भी। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई, तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं, अभी मार्केट में चल रहे हैं। और हमारा मार्केट कहाँ है, डेफिनेटली बिल्कुल सही सोचा आपने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, हम ऑप्शन चेन के ऊपर जाएंगे। तो आप क्या गए, एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में जब क्लिक करेंगे तो लाइव मार्केट पर क्लिक करने के बाद ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ऑप्शन चेन में आप क्या क्लिक कर सकते हैं, आप इक्विटी डेरिवेटिव्स को आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए आज जो है ये आप देख रहे हैं कि 29 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होनी है वो 29th ऑफ सितंबर होनी है। और यहाँ पर मैंने निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया हुआ है, आपका मन हो तो आप कोई और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का ऑप्शन क्या कर सकते हैं, आप उसकी ऑप्शन चेन आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो भी स्ट्राइक्स है मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनका डेटा आ जाएगा। और अभी आपको दिखाई पड़ रहा है 8589 का मार्केट चल रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी स्ट्राइक्स अवेलेबल है, बहुत सारी स्ट्राइक्स अवेलेबल है आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि अभी मार्केट कितने का चल रहा है, 8588 का चल रहा है, तकरीबन 8600 का चल रहा है, तो इसी के आसपास की स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा काम हो रहा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, किसी भी स्ट्राइक को हम चूज कर देंगे और ये अज्यूम करेंगे कि उस पर हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो पहले मैं कॉल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको मैं लेकर के जा रहा हूँ एक्सेल शीट के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हुई है। तो पहले हमने क्या किया, एक कॉल की पोजिशन क्रिएट करी है और उस कॉल की पोजीशन को हम एक्सपायरी डेट तक लेकर के जा रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन के सामने ये फिगर्स लगी हुई है। ठीक है जी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के लिए जो एक्सेल शीट प्रिपेयर करी है वो 8700 की स्ट्राइक पर क्रिएट करी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 8700 का जो प्रीमियम दिखाई पड़ रहा है वो 90 रुपीज दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस 8700 की कॉल, ये 8700 की जो कॉल है उसका प्रीमियम का लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना शो कर रहा है, यहाँ पर 90 रुपीज शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सेल शीट पे जब हम जाएंगे तो वहां पर ये प्रीमियम आपको 135 दिखाई पड़ेगा। वो 135 क्यों दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेल शीट जो मैंने प्रिपेयर करी थी आपसे एक 4-5 दिन पहले मैंने प्रिपेयर करी थी, और तब से आप देख रहे हैं कि प्रीमियम यहाँ पर डाउन होकर के 90 रुपीज हो गया है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई है। तो बहरहाल उससे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर प्रीमियम, अभी मैं क्लास दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लास डिलीवर कर रहा हूँ तो ये लाइव मैंने वेबसाइट पर पेज ओपन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एकदम करंट लेवल्स आ रहे हैं प्रीमियम के। लेकिन एक्सेल शीट में प्रीमियम जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, वो इसलिए डिफरेंट होंगे क्योंकि एक्सेल शीट अभी आपको क्लास देते समय तो नहीं प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी वो, तो ऑलरेडी वो एक्सेल शीट मैंने प्रिपेयर करी हुई, उससे आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि वहां पर प्रीमियम्स की जो वैल्यूज हैं वो किसी भी तरह से वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ओपन कर रखी है, आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। आपको दिखा देते हैं कि क्या है यहाँ पर, किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया, और उसके बाद फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस ओवरऑल डेटा शीट के दोनों तरफ कॉल बायर हैं और एक तरफ कॉल सेलर है। तो कॉल की एक पोजीशन क्रिएट की गई, आप देख रहे हैं स्ट्राइक ऑफ कॉल पोजीशन। तो यहाँ पर मल्टीपल सिचुएशंस दिखाई पड़ रही हैं और हर सिचुएशन में हमने दिखाया है कि 8700 की कॉल के ऊपर पोजीशन क्रिएट की गई है और उसका प्रीमियम जो है 135 दिया गया है और लिया गया है, यानी कि कॉल बायर ने पे किया है और कॉल सेलर ने उस प्रीमियम को रिसीव किया है। ठीक है जी, तो ये अलग अलग सिचुएशन है, ये 12 सिचुएशंस में दिखाया जा रहा है कि अगर हम एक्सपायरी डेट पर लेकर के जाएंगे तो एक्सपायरी डेट वाले दिन मार्केट जो है वो किसी भी लेवल के ऊपर बंद हो सकता है। तो हमने क्या किया है, मार्केट को 8700 की जो स्ट्राइक है उसके दोनों तरफ मूव कराया है हमने,
यानी कि मार्केट को हमने क्या किया है, मार्केट को हमने ऊपर भी मूव कराया है। आप देख रहे हैं 8750 से क्या होगा, 8700 से ऊपर की तरफ भी मूव कराया मार्केट को, और 8700 से नीचे की तरफ भी मूव कराया। और फिर हमने ये देखा है कि एक्सपायरी डेट पर प्रीमियम की स्थिति क्या होगी और स्ट्राइक की स्थिति क्या होगी, स्ट्राइक्स इन द मनी होंगी, आउट द मनी होंगी। और फिर हमने देखा है कि कौन सी स्ट्राइक्स एक्सरसाइज होंगी तो किस तरह का एक प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन जो होगी वो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए होगी। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो कॉल बायर खड़ा है उसको आपको दिखाई दे रहा है कि उसके दिमाग में क्या थॉट चल रही है। तो उसने कॉल बाई करी है, ठीक है जी, कॉल बायर ने कॉल बाई करी, तो ये बात आपको भी पता होना चाहिए कि जब कॉल बायर कॉल बाई करता है तो वो मार्केट को लेकर के किस तरह का एक आइडिया, किस तरह का एक विचार दिमाग में रखता है। ये शुरू में भी मैंने बताया था और बीच में कई बार आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस हो चुकी है कि आप कोई स्ट्राइक कॉल की कब खरीदते हैं। ठीक है जी, जैसे 8700 की स्ट्राइक है, यहाँ पर ये जो रेड बॉक्सेस हैं इसके अंदर वो स्ट्राइक को शो किया गया है, जहां पर पोजिशन हमने क्रिएट करी है। ठीक है जी, तो ये 8700 की जब कॉल बायर ने कॉल पकड़ी है तो इसका मतलब क्या है, उसको क्या लग रहा है? डेफिनेटली उसको कॉल बायर को ये लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से और ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी, तभी तो उसने 8700 को इसने स्ट्राइक पकड़ ली है। ठीक है जी, कि मार्केट बढ़ेगी और मैं पहले से 8700 का रेट क्या कर लेता हूँ, लॉक कर लेता हूँ, जिससे मुझे जब मार्केट बढ़ जाएगी तो मुझे वो जो एडवांटेज होगी वो मुझे मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कॉल बायर के तौर पर जब हम कोई स्ट्राइक पकड़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि मार्केट इस स्ट्राइक से ऊपर रहेगी। ठीक है जी, ताकि मुझे तभी तो एडवांटेज मिलेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल है कि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई हाउस बुक कराते हैं या किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पहले से आप कोई शॉप या कोई ऑफिस पहले से बुक करा लेते हैं, तो पहले से बुक करा लेने का क्या मकसद रहता है, क्या आगे चल करके इसे रेट बढ़ेंगे, आगे चल करके इसके रेट बढ़ जाएंगे और मैंने पहले से बुक करा रखा है तो मुझे क्या मिल जाएगी, आगे चल करके एडवांटेज मिल जाएगी, ऐसा ही होता है ना। तो वैसे ही कॉल के केस में भी होता है कि मार्केट जब कॉल बायर ने 8700 की स्ट्राइक पकड़ी तो कॉल बायर को क्या लग रहा था कि भाई मार्केट यहां से क्या होगी, मार्केट यहां से बढ़ेगी और मुझे क्या हो जाएगा, मुझे एडवांटेज मिल जाएगी। ठीक है जी, उस बढ़े हुए प्राइस की मुझे एडवांटेज मिल जाएगी। ठीक है, और कॉल सेलर को क्या लग रहा था, कॉल सेलर को ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो 8700 के लेवल से नीचे ही रहेगी और ये कॉल बायर कभी भी मुझसे 8700 पे माल खरीदने आएगा नहीं। इस तरह से ये जो ऑप्शन है, यानी कि ये जो कॉल ऑप्शन है, ये बिना एक्सरसाइज हुए एक्सपायर हो जाएगा और मुझे ये जो प्रीमियम का अमाउंट मिला था वो मेरी जेब में रह जाएगा और यही मेरा क्या बन जाएगा, पूरा प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप जब कॉल बाई करते हैं तो इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मार्केट स्ट्राइक से ऊपर रहेगा। ठीक है, और वो आपको एडवांटेज देकर जाएगा। ठीक है, मार्केट जितना ऊपर एडवांटेज उतनी ज्यादा और आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा। तो एक्चुअली में सिर्फ क्या आपको इतना ही पता होना चाहिए कि मार्केट स्ट्राइक से ऊपर रहेगी, या आपको कुछ और भी देखने या कुछ और भी जानने की जरूरत है? तो यहाँ पर हम पूरा इसको एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये डिटेल आपको पता होना चाहिए और ये आपकी आपको समझ में भी रहनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप कोई पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं उसे एक्सपायरी डेट पर लेकर के जा रहे हैं तो वो आपकी पोजीशन कोई अंधेरे में नहीं रहनी चाहिए, आपकी पोजीशन आपकी नॉलेज की रोशनी में रहनी चाहिए। ठीक है जी, आपको पता रहे कि हाँ भाई इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी तो मुझे इस तरह का प्रॉफिट या लॉस रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी सिचुएशंस को यहाँ पर मैंने क्रिएट किया और हर सिचुएशन एक अलग तरह का प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा। ठीक है जी, तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वन बाई वन। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिचुएशन 8 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसको मैंने बीच में रखा है, इसलिए इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, 8700 की स्ट्राइक पकड़ी गई, यानी कि 8700 की स्ट्राइक पर कॉल बायर ने कॉल बाई करी और कॉल सेलर ने कॉल सेल किया। ठीक है जी, दोनों का ही हम केस देखेंगे यहाँ पर। और 135 रुपए का जो प्रीमियम था वो एक्सचेंज हुआ, यानी कि कॉल बायर ने 135 रुपए दे दिए और कॉल सेलर को 135 रुपए मिल गए। अब देख रहे हैं यहाँ पर पहली जो सिचुएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एट द मनी की सिचुएशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केट की एक्सपायरी डेट के ऊपर जो लेवल रहा वो 8700 का रहा। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं, यानी कि 8700 की स्ट्राइक पकड़ी थी और एक्सपायरी डेट वाले दिन जो क्लोजिंग हो रही है मार्केट की वो भी 8700 पर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये स्ट्राइक जो रहेगी वो एट द मनी रहेगी और इसके अंदर किसी भी तरह की एडवांटेज जो होगी वो कॉल बायर के लिए नहीं होगी। इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं एडवांटेज का अमाउंट क्या है, जीरो। समझ में आ रही है ना बात आपके?
भाई हमने स्ट्राइक पकड़ी 8700 की, मार्केट में भी लेवल 8700 का है, तो क्या कोई एडवांटेज है? कोई एडवांटेज नहीं है। और ये एट द मनी स्ट्राइक है, क्योंकि मार्केट का लेवल और स्ट्राइक का लेवल दोनों बराबर है। तो एट द मनी की स्ट्राइक पर, यानी कि जो स्ट्राइक है ये एक्सपायरी वाले दिन एट द मनी हो रही है, और उस दिन इसके अंदर एडवांटेज का अमाउंट क्या है? जीरो। और यहाँ पर प्रीमियम हम देख रहे हैं कि उसका प्रीमियम क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एडवांटेज नहीं है। एक्सपायरी डेट पर पहुंच करके टाइम वैल्यू तो जीरो हो ही चुकी है, एडवांटेज भी जीरो है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रीमियम भी जीरो है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन क्या हो रही है। कॉल बायर के लिए 135 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने 135 रुपए खर्चा किए, मिल उसे क्या आ रहा है? जो 135 रुपए का उसने माल खरीदा था, उस माल की वैल्यू आज क्या हो गई है? माल की वैल्यू जीरो हो गई है, तो इसलिए उसका 135 रुपए का लॉस हो गया। और एडवर्स सिचुएशन जो है वो कॉल सेलर के लिए, कि कॉल सेलर का पूरा पूरा 135 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कॉल सेलर ने 8700 की कॉल बेची, 135 रुपए उसने वसूल किए, 135 रुपए उसे मिले। अब क्या हुआ, एक्सपायरी डेट पर पहुंच करके वो 135 रुपए जीरो हो गए, तो कॉल सेलर का पूरा पूरा 135 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बात समझ रहे? तो आपको ये सिचुएशन पता रहनी चाहिए कि आपने जो स्ट्राइक पकड़ी है, ये बात मैं चाह रहा हूं कि आप ध्यान रखें, जो स्ट्राइक आपने पकड़ी, अगर मार्केट वहीं पर ही टिक गया, ये 8700 की स्ट्राइक पकड़ी और मार्केट 8700 पर ही टिक गया, ठीक है, मार्केट आपने जो स्ट्राइक पकड़ी वहीं पर ही अटक गया, तो आप ये मान करके चलिए कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्ट्राइक होगी वो एक्सपायरी वाले दिन एट द मनी होगी, और आपका जो प्रीमियम था वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू तो पूरी चली ही गई, और एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम के अंदर कोई एडवांटेज भी नहीं बच रही है, क्योंकि दोनों का लेवल क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, इसलिए पूरा प्रीमियम क्या हो गया? जीरो हो गया, और इस वजह से आपका पूरा पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है जी, प्रीमियम का। तो ऐसी स्थिति में एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज को भी पता है कि अब ये प्रीमियम पूरा पूरा जीरो हो चुका है, यानी कि अब कॉल बायर को कुछ मिलना नहीं है, तो वो एट द मनी की स्ट्राइक को एक्सरसाइज नहीं करता है। सन्ने से फायदा भी क्या है, ठीक है जी, एट द मनी की स्ट्राइक को एक्सरसाइज कोई काम तब किया जाए कि जब कोई लेनी देनी खड़ी हो। आ रही बात समझ में? किसी से कुछ लेना हो, किसी को कुछ देना हो, तो एट द मनी की स्ट्राइक पर क्या हो रहा है? कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि 135 रुपए ऑप्शन बायर को, यानी कि कॉल बायर को देने थे वो तो पहले ही दे चुका है, और कॉल सेलर को मिलने थे वो तो पहले ही मिल चुके हैं, अब तो वो प्रीमियम जीरो हो चुका है, ठीक है जी, तो अब तो कुछ और फर्दर होना नहीं है, तो यानी कि पूरा पूरा प्रीमियम कॉल बायर का चला गया, और पूरा पूरा प्रीमियम जो था, जो कॉल सेलर को मिला था, वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, मैं बार बार ये बात इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एज ए कॉल बायर या एज ए कॉल सेलर आपको पता रहना चाहिए कि जो स्ट्राइक पर आपने काम किया, अगर मार्केट एकदम वहीं पे टिक गई तो होगा क्या? आपका प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी जीरो, क्योंकि कोई एडवांटेज नहीं बची और उसके अंदर टाइम वैल्यू भी नहीं बची। इसका मतलब एज ए कॉल बायर आपका पूरा प्रीमियम गया पानी में, और एज ए कॉल सेलर आप मिठाई खाइए, क्योंकि आपका पूरा पूरा क्या हो गया? प्रीमियम का आपका प्रॉफिट हो गया। ऑलराइट, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं ये चीजें एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको कोई अंधेरे में रह करके काम नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल ये बात अच्छी तरह से पता रहना चाहिए कि अगर ऐसा होगा कि मार्केट का लेवल बिल्कुल स्ट्राइक के पास आकर के टिक जाएगा, तो मेरे लिए किस तरह की प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन होगी। अब क्या करते हैं, अब जैसा कि कॉल बायर ने सोचा था, क्या सोचा था कि मार्केट 8700 की स्ट्राइक पकड़ी तो यहां से ऊपर मूव करेगी, तो अभी हम क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कराते हैं एक्सपायरी डेट पर, ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह की प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन पैदा हो रही है। हमने क्या, हमने कहा मान लेते हैं, ये सिचुएशन सेवन देख रहे हैं कि हमने कहा कि मार्केट को मान लेते हैं कि मार्केट एक्सपायरी डेट वाले दिन 8750 की हो जाती है, एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि ऐसा ही हो गया जैसा कि कॉल बायर ने सोचा था कि मार्केट 8700 की स्ट्राइक पकड़ी तो यहां से ऊपर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अगर मार्केट 8750 का हो गया तो उस दिन देख रहे हैं कि अब एडवांटेज कितनी आ रही है। आप देख रहे हैं कर्सर को ध्यान रखिएगा, ये एडवांटेज का कॉलम है, एडवांटेज कितनी मिल रही है कॉल बायर को, 50 रुपए की एडवांटेज मिल रही है, ठीक है ना, स्ट्राइक पकड़ी थी 8700 की और मार्केट पहुंच गया 8750 का, 50 रुपए की एडवांटेज है, बिल्कुल सही है, एडवांटेज मिल रही है, यानी कि उसकी स्ट्राइक जो है वो एक्सपायरी वाले दिन क्या है, इन द मनी है, इन द मनी है, तो इसे एक्सचेंज क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज करेगा, और इन द मनी है तो इसका प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन कितना होगा, 50 रुपए का प्रीमियम होगा, क्योंकि जो सिर्फ एडवांटेज का अमाउंट होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू के तौर पर प्रीमियम के अंदर होगा, टाइम वैल्यू तो खत्म ही हो चुकी होगी, क्योंकि टाइम एक्सपायर हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, तो 50 रुपए का प्रीमियम बच रहा है। अब इन द मनी स्ट्राइक को एक्सचेंज क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज कर देगा, यानी कि 50 रुपए का प्रीमियम बच रहा है
तो कॉल बायर को 50 रुपए का प्रीमियम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और कॉल सेलर के अकाउंट से 50 रुपए का जो ये प्रीमियम कॉल बायर को दिया जाना है वो कॉल सेलर के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए इन द मनी स्ट्राइक जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज कर दी जाएगी एक्सचेंज द्वारा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन ऐसी पैदा हो रही है कि कॉल बायर को अभी भी लॉस हो रहा है। अभी लॉस क्यों हो रहा है, जबकि एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी है, एक्सरसाइज भी हो रही है, 50 रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है, सोचिए जरा। लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि 8,700 का जो माल कॉल बायर ने लिया उसके लिए दिए 135 रुपए और एक्सपायरी वाले दिन मिल कितने रहे, मिल रहे बस 50 रुपए। तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है, आपको देख रहे 135 माइनस के, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वो बॉक्स जो है वो बड़ा सा हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे इज इक्वल टू के निशान के बराबर में माइनस लिखा हुआ है, माइनस के 135 प्लस के 50 कॉल बायर के लिए, क्योंकि 135 दिए मिले 50, तो हुआ क्या हुआ ये कि 85 रुपए का यानी 85 का लॉस हो रहा है। और वही एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो रही है कॉल सेलर के लिए। कॉल सेलर चाह रहा था कि मार्केट जो है 8,700 से नीचे रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट 8,700 से ऊपर चली गई 50 पॉइंट, लेकिन उसके बावजूद भी उसे 85 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बात आपको एज ए कॉल सेलर पता रहनी चाहिए कि एज ए कॉल सेलर हम सोचते हैं मार्केट जो स्ट्राइक है उससे नीचे रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर स्ट्राइक से ऊपर भी मार्केट थोड़ा चला जाता है, लेकिन वो इतना ऊपर ना जाए कि जो प्रीमियम मिला था उसे ऊपर चला जाए, ठीक है जी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 135 रुपए मिले थे उसको, यानी कि कॉल सेलर को, और 50 रुपए उसको देने पड़ रहे, तो हो क्या रहा है कि अभी भी उसे 85 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे देखते हैं हम एक सिचुएशन और देखते हैं, फिर ये जो ग्रे कलर का एरिया है इसको एक साथ एक्सप्लेन करेंगे हम। अब देखते हैं मार्केट थोड़ी सी और ऊपर मूव करा देते हैं एक्सपायरी वाले दिन, ये मान करके चलते हैं कि मार्केट जो है वो 8,700 से और ऊपर बढ़ जाती है भैया, 8,800 का लेवल टच कर देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 8,700 के कंपैरिजन में ये जो 8,700 की कॉल खरीदी गई थी, बेची गई थी, मार्केट उसके कंपैरिजन में 8,800 की चढ़ गई एक्सपायरी वाले दिन। तो हुआ क्या, इस स्ट्राइक में यानी कि 8,700 की स्ट्राइक पे जो पोजीशन क्रिएट की गई थी, तो 8,700 की स्ट्राइक के अंदर 100 रुपए की एडवांटेज है कि नहीं है। हमने स्ट्राइक पे काम किया है 8,700 की, मार्केट 8,800 पे पहुंच गया, तो हो क्या रहा, ये स्ट्राइक 100 रुपए की एडवांटेज दे रही, ठीक है जी, क्योंकि एडवांटेज दे रही है यानी कि ये इन द मनी है। इन द मनी है तो यानी कि ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक्सचेंज द्वारा एक्सरसाइज कर दिया जाएगा इसको। उस दिन प्रीमियम क्या क्या स्थिति होगी, प्रीमियम भी 100 रुपए का होगा, क्योंकि जो एडवांटेज का अमाउंट है वही प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू के तौर पे होगा, टाइम वैल्यू तो होगी नहीं, तो 100 रुपए की एडवांटेज, 100 रुपए का प्रीमियम, ठीक है जी। प्रॉफिट लॉस की क्या स्थिति होगी, कॉल बायर को अभी भी लॉस हो रहा है भैया, 8,700 के कंपैरिजन में मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चढ़ गई, उसके बावजूद भी कॉल बायर को लॉस, ये बात आपको पता रहना चाहिए एज ए कॉल बायर, आपको ये बात पता रहना चाहिए। वो लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि खर्चा किए थे 135 रुपए, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बच रहा है 100 रुपए, तो इस वजह से 35 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ स्थिति देखिए कॉल सेलर की, कॉल सेलर चाह रहा था कि मार्केट 8,700 से नीचे रहे, लेकिन 8,700 से मार्केट काफी ऊपर चढ़ गई भाई, 100 पॉइंट ऊपर चढ़ गई, उसके बावजूद भी उसको 35 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर तो चढ़ी लेकिन इतनी नहीं चढ़ी कि वो उसे प्रीमियम को क्रॉस करके वो नुकसान दे दे, बात समझ रहे हैं। तो इस वजह से उसको क्या हो रहा है, 35 रुपए का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने 135 रुपए क्या किए थे, रिसीव किए थे प्रीमियम के, और एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम 100 रुपए बच रहा है, तो उसे 100 रुपए देने पड़ रहे, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उसे 35 रुपए का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एज ए कॉल बायर और कॉल सेलर आपको ये बातें पता रहना चाहिए। कॉल बायर हम चाह रहे हैं, एज ए कॉल बायर हम चाह रहे हैं कि मार्केट, हमने 8,700 की स्ट्राइक पकड़ी है, तो मार्केट 8,700 से ऊपर जाए, और ऐसा हुआ भी, मार्केट 8,700 से ऊपर चली भी गई 50 पॉइंट 100 पॉइंट, तो मार्केट को इतना ऊपर जाना चाहिए कि वो जो प्रीमियम खर्चा किया था कॉल बायर ने, तो कॉल बायर को तभी प्रॉफिट होगा कि वो उस प्रीमियम को कवर कर ले। जैसे ये पेन है, पेन 20 रुपए का है, 20 रुपए का हम खरीद के लाए, तो अब मार्केट में जब हम इसे 25 का बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, कि 15 का बेच देंगे तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट नहीं होगा। यानी 20 रुपए हमने खर्चा किए इस पेन के लिए, तो अब हम इससे ऊपर जब माल बेचेंगे तो क्या होगा, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा एज अ ट्रेडर, ठीक है जी। तो वो चीज आपको ये बात पता रहना चाहिए। एज अ कॉल सेलर आपको ये पता रहना चाहिए कि भैया ठीक है, हम चाह रहे थे 8,700 से मार्केट नीचे रहे, लेकिन अगर 8,700 से ऊपर भी बढ़ जाती है तो भी कुछ लेवल तक आपको एज अ कॉल सेलर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लेवल को ही हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लेवल क्या है एज अ कॉल सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू,
कि भाई मार्केट नीचे गिरने के बजाय बढ़ भी जाती तो भी कॉल सेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि अभी हमने दो लेवल्स देखे। तो अभी एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर और समझेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब देखिए जरा, एक हमने मार्केट को बढ़ा दिया 8835 के ऊपर, तो 8835 पे एक्सपायरी हो रही है, यानी एक्सपायरी वाले दिन कैश मार्केट 8835 के लेवल पे क्लोज हो रहा है। तो यानी कि कितनी एडवांटेज मिल रही है स्ट्राइक को, 8700 की पोजीशन क्रिएट की गई थी ना, और मार्केट बंद हो रहा है 8835 का, तो कॉल बायर को 135 रुपए की एडवांटेज मिल रही है, यानी कि 8700 की स्ट्राइक के अंदर 135 रुपए की एडवांटेज आ गई। और ये स्ट्राइक क्या है, इन द मनी है, यानी कि एक्सचेंज द्वारा ऑटोमेटिकली क्या की जाएगी, ये एक्सरसाइज की जाएगी। और यहाँ पर प्रीमियम भी क्या है, 135 रुपए का, क्योंकि जो एडवांटेज का अमाउंट था वो इसके अंदर आ गया। अब देखिए जरा कॉल बायर कॉल सेलर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन देखिए क्या है, दोनों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन जीरो हो रही है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉल बायर ने क्या किया, 135 रुपए खर्चा किए और एक्सपायरी वाले दिन उसे 135 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 135 खर्चा किए 135 रुपए मिल रहे, ठीक है जी। तो इस तरह से उसके प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन क्या हो रही है, जीरो। इसी तरह कॉल सेलर के लिए कि उसने 135 रुपए रिसीव किए थे और उसे एक्सपायरी वाले दिन उसे 135 रुपए देने पड़ रहे, तो उसके भी प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन क्या है, जीरो। तो ये जो लेवल है, ये लेवल आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। इस लेवल को आप समझ लिए, इस लेवल को एक खास नाम से भी पुकारते हैं, ये है 8835 का जो लेवल है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। कॉल के केस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है, यानी कि कैश मार्केट की क्लोजिंग होती है, तो उसके अंदर इतनी एडवांटेज होती है स्ट्राइक के अंदर कि वो कॉल बायर के लिए जो प्रीमियम का खर्चा था उसको कवर कर लेती है, ठीक है जी। तो वो कॉल बायर के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पैदा करती है, और इसी तरह कॉल सेलर के लिए भी नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन पैदा होती है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख करके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक नोट पैड लगा दिया और यहाँ पर मैं आपको कुछ लिख करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये लेवल था, ठीक है ना। अब देखिए कॉल का केस है, यानी कि कॉल ऑप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कॉल में और पुट में दोनों में जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है दोनों को अलग तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्राइक क्या थी इसकी, जो स्ट्राइक थी वो कितनी थी, 8700 की, ठीक है जी। और प्रीमियम था वो कितने का था, 135, ठीक है जी। तो अब देख रहे हैं कि मार्केट 8700 से ऊपर की तरफ जा रही है, आप देख रहे हैं एरो, देख रहे हैं ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट बढ़ेगी तो कॉल बायर को क्या होगा, धीमे धीमे प्रॉफिट होता जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा लेवल होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पैदा होती है, और वो लेवल क्या होता है, वो लेवल होता है स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है जी। कॉल के केस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। तो स्ट्राइक क्या है, 8700 की, और प्रीमियम कितना है, 135, यानी कि टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर के, यहाँ पर 8835। इसको आप ध्यान रखिएगा ब्रेक इवन पॉइंट को कॉल के केस में। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये कॉल बायर और कॉल सेलर के लिए दोनों के लिए ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। कैसे होती है, अब देखिए 8700 से 8835 देखिए आप, जरा देखिए आप इधर देखिए, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं। देखिए 8700 की स्ट्राइक पकड़ी हमने, ठीक है जी, और 135 रुपए का प्रीमियम था। अब मार्केट क्या हो रही है, मार्केट बढ़ करके फॉर एग्जांपल जब 8835 पे पहुंच रही है, तो आप देख रहे हैं दोनों का गैप देख रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मार्केट जब इतनी बढ़ जाए कि जो स्ट्राइक का गैप है वो किसके बराबर हो जाए, वो प्रीमियम के बराबर हो जाए। आप देख रहे दोनों का डिफरेंस जो है, मार्केट 8835 पे पहुंच गई तो स्ट्राइक के कंपैरिजन में 135 रुपए का क्या आ गया, गैप आ गया, यानी कि स्ट्राइक के अंदर इस 8700 की स्ट्राइक में 135 रुपए की एडवांटेज आ गई, ठीक है। तो कॉल बायर को क्या हुआ, 135 रुपए खर्चा किए, तो एक्सपायरी वाले दिन 135 रुपए की एडवांटेज अभी भी स्ट्राइक के अंदर है, यानी कि उसका प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन 135 रुपए का होगा। 135 रुपए खर्चा किए, 135 रुपए का प्रीमियम, कॉल बायर के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है जी। अब कॉल सेलर का केस देखिए क्या है, 8700 से जितनी मार्केट ऊपर बढ़ती जाएगी तो कॉल सेलर का लॉस है ना, क्योंकि भाई कॉल सेलर ने क्या कहा है कि भाई 8700 पे मैं माल बेचूंगा, लेकिन माल मार्केट में महंगा हो रहा है, फिर भी उसको कितना बेचना पड़ रहा है, 8700 का बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उसने 8700 की कॉल बेच रखी है इस वजह से, ठीक है जी।
तो मार्केट जितना बढ़ता जाएगा कॉल सेलर को उतना ही क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। लेकिन 8835 तक की स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि कॉल सेलर को लॉस हो रहा है ऑल राइट, लेकिन वो क्योंकि प्रीमियम के नाम पे पहले ही पैसे रिसीव कर चुका है, तो वो जो उसने प्रीमियम रिसीव किया था वो उसको एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है कॉल सेलर को, कि उसको लॉस हो रहा है वो लॉस को झेल पा रहा है। बात समझ रहे हैं? कॉल सेलर ने कमिटमेंट दिया कि वो 8700 की कॉल बेच करके 8700 पे माल बेचने के लिए रेडी है, नो मैटर मार्केट बढ़ जाए। ठीक है जी, उसकी अपनी कैलकुलेशन थी कॉल सेलर की कि मार्केट जो है वो 8700 से नीचे ही रहेगी, लेकिन कॉल सेलर को हो गया डाउन, मार्केट जो है 8700 से नीचे की बजाय 8700 से ऊपर बढ़ने लगी। अब जितनी ऊपर बढ़ने लगी कॉल सेलर को लॉस होना चालू हो गया, लेकिन 8800 के 35 लेवल तक यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के लेवल तक कॉल सेलर को कोई भी एज सच दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसे लॉस हो रहा है वो लॉस जो उसने प्रीमियम रिसीव किया था वो उस प्रीमियम से कवर हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम कॉल बायर का केस देखें तो कॉल बायर को 8700 के लेवल से ऊपर जाने पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 8835 तक ऐसी स्थिति है कि 8835 पे पहुंच करके उसे बस इतना ही प्रॉफिट हो पा रहा है जितना कि उसने प्रीमियम पे किया था। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मार्केट को 8835 से ऊपर मूव करना होगा, ऊपर जाना होगा कि कॉल बायर को नेट प्रॉफिट हो, और अगर 8835 से मार्केट ऊपर मूव करती है तो कॉल सेलर को नेट लॉस होना चालू हो जाएगा। और 8835 से अगर 8700 के बीच में मार्केट फंसी रहती है, यानी 8700 की स्ट्राइक पकड़ी और मार्केट जो है वो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट तक भी ना पहुंच करके उससे भी नीचे ही रहती है, तो वो एक ऐसी स्थिति होगी जैसे कि हम आपको अभी दिखा चुके। वो क्या स्थिति होगी कि कॉल बायर को प्रॉफिट तो होगा लेकिन वो प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा जितना प्रीमियम पे किया था, तो कॉल बायर को नेट लॉस ही होगा। और कॉल सेलर की केस के कॉल सेलर को क्या स्थिति का सामना करना पड़ेगा? अगर मार्केट स्ट्राइक से ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में फंसी रहती है तो कॉल सेलर को क्या होगा? कॉल सेलर को लॉस तो होगा मार्केट के बढ़ने से, लेकिन वो लॉस जो होगा वो रिसीव किए गए प्रीमियम से कम होगा, तो इस वजह से कॉल सेलर को नेट प्रॉफिट ही होगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि स्ट्राइक का लेवल और ब्रेक इवन पॉइंट का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कॉल बायर को ये पता रहना चाहिए कि मार्केट जब ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाएगी तभी एक्सपायरी वाले दिन उसको नेट प्रॉफिट होना है। यहाँ पर 8700-8835 का लेवल है, लेकिन इसको छोड़ दे तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें हम, तो कॉल बायर को ये पता रहना चाहिए कि अगर मार्केट स्ट्राइक से ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में फंसी रहेगी तो उसको फायदा तो होगा लेकिन उसको नेट लॉस होगा, क्योंकि वो फायदा जो हो रहा है एडवांटेज का वो प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो रहा है, वो प्रीमियम से कमी है। और ये सारी बातें जो है आपको पता रहनी चाहिए बहुत एज ए कॉल बायर और एज ए कॉल सेलर, और यही आज इस क्लास का ऑब्जेक्टिव भी है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट का लेवल पता रहे। ठीक है जी, और आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किन सिचुएशंस में होगा उसका आपको एक अंदाजा रहे, तो यही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था आपको। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि मार्केट क्या होती है। 8835 यानी ब्रेक इवन पॉइंट के लेवल से ऊपर बढ़ जाती है, तो यहां पर क्या हो रहा है 8850 पर पहुंच करके एडवांटेज स्ट्राइक के अंदर आ गई 150 रुपए की। ठीक है ना, 8700 की स्ट्राइक पकड़ी थी और जो एक्सपायरी डेट के ऊपर जो लेवल है वो 8850 का है, तो अब 150 रुपए की एडवांटेज आ गई। अब ये एडवांटेज इतनी ज्यादा हो गई है कि कॉल बायर ने जो 135 रुपए का प्रीमियम पे किया था वो उससे ज्यादा हो गई। तो अब इन द मनी स्ट्राइक है और इसका प्रीमियम कितना है 150 रुपए का, जितनी एडवांटेज थी वो पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू के तौर पर प्रीमियम के अंदर आ गई है, तो पूरा क्या हो गया, एडवांटेज का अमाउंट प्रीमियम के तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन बोले तो अब कॉल बायर को क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। 135 रुपए खर्चा किए थे, 150 रुपए उसे एक्सचेंज क्रेडिट कर रहा है। ठीक है जी, इन द मनी एक्सरसाइज को, इन द मनी कॉल को एक्सरसाइज करके तो उसे 15 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कॉल सेलर को अब क्या हो गया, कॉल सेलर को अब लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि 135 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया था उसने और 150 रुपए का वो प्रीमियम हो गया, 150 रुपए का प्रीमियम उसके अकाउंट से क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन डेबिट होगा। ठीक है जी, क्योंकि पहले वो रिसीव कर चुका है, पहले उसके अकाउंट में, कॉल सेलर के अकाउंट में जो प्रीमियम था वो पोजीशन ओपन करते समय उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट होगा। ठीक है जी, तो 150 रुपए का जब प्रीमियम उसके अकाउंट से डेबिट होगा तो 15 रुपए का वो उसको कॉल सेलर को नेट लॉस दे करके जाएगा।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट और ऊपर बढ़ता जाएगा, मार्केट और ऊपर बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एडवांटेज का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से सीधे सीधे प्रीमियम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रीमियम के अंदर पूरा पूरा एडवांटेज का अमाउंट होता है, और इस वजह से कॉल बायर को नेट प्रॉफिट होता जाएगा और कॉल सेलर को नेट लॉस होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात पता रहना चाहिए कि एज ए कॉल बायर आपको नेट प्रॉफिट तभी होगा जब आप ब्रेक इवन, आप यानी कि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाकर के बंद होगी। ठीक है जी, और देखते हैं हम दूसरी तरह की एक स्थितियों का जायजा लेते हैं। यहाँ पर अगर कैश मार्केट में जो क्लोजिंग होती है, हमने 8700 की स्ट्राइक पे पोजीशन क्रिएट करी थी, अगर मार्केट उससे नीचे रहती तो क्या होगा, यानी कि 8650 पे, 8600 पे, 8550 पे, 8500 पे, तो क्या स्थिति होगी, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो एक्सरसाइज है, जो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होना था एक्सचेंज की तरफ से, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सारी स्थितियां जो होंगी ये ऐसी स्थितियां होंगी कि जिसमें 8700 की जो स्ट्राइक होगी ये आउट द मनी रह जाएगी एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि ये मार्केट के जो लेवल्स हैं ये इस तरह के लेवल्स हैं कि ये स्ट्राइक एडवांटेजियस नहीं रहेगी कॉल बायर के लिए। क्यों, कॉल बायर ने 8700 पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था और मार्केट होगी 8650 की। ठीक है, तो 8700 का जो लेवल कॉल बायर ने पकड़ा था वो उसके लिए एडवांटेजियस नहीं रहा। तो ये सारी नीचे की स्थितियां क्या है, आउट द मनी की है। ठीक है, और आउट द मनी की स्थितियों में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि एडवांटेज का अमाउंट भी जीरो और टाइम वैल्यू का अमाउंट भी जीरो, यानी कि प्रीमियम क्या हो गया, जीरो। तो ऐसी स्थिति में जीरो अमाउंट पे एक्सचेंज क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो इसको यू ही एक्सपायर होने देगा। ठीक है, तो यानी कि होना जाना कुछ नहीं है आउट द मनी की स्ट्राइक्स में, प्रीमियम जीरो हो चुका था, एक्सचेंज इसके किसी भी तरह से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा, यानी कि कॉल बायर का 135 रुपए का प्रीमियम गया था वो चला गया, पूरा पूरा 135 रुपए का प्रीमियम इन स्थितियों में लॉस दे करके जाएगा कॉल बायर को, और कॉल सेलर को क्या होगा, पूरा पूरा प्रीमियम का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, जो उसे पहले पोजिशन ओपन करते समय मिला था। तो ये सारी स्थितियों का हमने जायजा लिया कॉल के केस में, कि कॉल के केस में कॉल बायर के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो जिस स्ट्राइक पर पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं और ब्रेक इवन का लेवल क्या है। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ब्रेक इवन से ऊपर जाएगी, और मार्केट अगर ब्रेक इवन से और स्ट्राइक के बीच में फंसी रहेगी तो भी कॉल बायर को क्या होना है, नेट लॉस ही होना है। और दूसरी तरफ कॉल सेलर को यह पता रहना चाहिए कि ठीक है, कॉल सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था, ऐसा होता है कि मार्केट जो स्ट्राइक से नीचे ही रहना चाहिए जिस स्ट्राइक की कॉल सेल कर रही है, लेकिन अगर मार्केट वहां से थोड़ी ऊपर भी बढ़ जाती है तो भी कॉल सेलर को कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट स्ट्राइक से ब्रेक इवन पॉइंट तक बढ़ जाती है तो भी कॉल सेलर को कोई दिक्कत नहीं है। कॉल सेलर को दिक्कत यानी कि नेट लॉस तभी है जब मार्केट ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ करके ऊपर की तरफ निकलती है। ठीक है जी, और कॉल सेलर बहुत ज्यादा हैप्पी है अगर मार्केट स्ट्राइक से नीचे की तरफ रहती है। तो ये सारा अंदाजा, ये सारी अवेयरनेस, ये सारी नॉलेज आपको पोजीशन क्रिएट करते समय रहनी चाहिए कि आपके लिए मार्केट के कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और मार्केट को आप किस तरह से देखते हैं, और मार्केट अगर इन लेवल्स में रहेगी तो आपको किस तरह की प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर इस कॉल की एग्जाम्पल को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और आपको अभी पुट का एग्जाम्पल भी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ओके,